हेलो एवरीवन, टुडे आई एम प्रेजेंटिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर रीट एग्जाम फॉर बोथ लेवल 1 एंड लेवल 2। इससे पहले हमने सेट 11 तक इस सीरीज में बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का सेट 12। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ पीपल प्लांट ग्रोज into a tree, then it becomes a bigger people. This opinion represent of development. जब एक छोटा सा प्लांट एक ट्री बन जाता है बड़ा, तो इसको हम, ये जो ओपिनियन है इसको हम कौन सा डेवलपमेंट के कौन से प्रिंसिपल से रिलेट कर सकते हैं, बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम डिसकंटिन्यूटी तो ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो कंटिन्यूस हो रहा है कि जो प्लांट है वो ट्री बन गया है। तो समटाइम डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज द स्टडी ऑफ द वे पीपल चेंज फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट ऑफ कॉन्सेप्शन राइट थ्रू द लाइफ स्पैन टू ओल्ड एज एंड डेथ। तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस हम इसको बोल सकते हैं, वूम टू टूम चलने वाला प्रोसेस है ये डेवलपमेंट, कभी भी एंड नहीं होता और कंटिन्यूसली ये बढ़ता रहता है। एंड इसके अंदर क्या है, मे बी इसका पेस जो है वो, जो इसकी स्पीड है या इसकी क्वांटिटी है वो वैरी करती होगी, कभी कम कभी ज़्यादा, बट ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो हम डिसकंटिन्यूटी कहीं भी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो कर रहा है। जिस तरीके से एक इन्फेंट अडल्ट में चेंज होता है, उसी तरीके से एक प्लांट भी ट्री में यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड। जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की बात आती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी की बात आती है, तो वहां पे आपको हमेशा आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी, यानी अडोलेसेंस। अडोलेसेंस स्टेज होगी, कभी कभी इसको 11 से 12 ईयर या फिर से 18 या 19 ईयर तक लिखते हैं, ऑलमोस्ट हर एक जगह पे। आपकी, आपको वैरी कर सकती है बुक टू बुक की एज ग्रुप इसका अलग है, लेकिन 11 टू 12 और 18 टू 19 ईयर के बीच में एडोलेसेंस पीरियड पड़ता है, और ये पीरियड है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी का, सेक्सुअल मैच्योरिटी का। और बच्चे यहाँ पे क्या है, अपने पीयर्स को काफ़ी वैल्यू देते हैं, उनके ओपिनियन को काफ़ी वैल्यू देते हैं, सेल्फ इमेज फॉर्मेशन की यहाँ पे बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय जीन पियाजे इन हिज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, जिसके अंदर उन्होंने 4 स्टेजेस की बात करी थी। स्टेजेस थी SPCF इस फॉर्म में, यानी कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मर ऑपरेशनल। उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की बात की, जिसके अंदर आ जाता है असिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, ये तीनों ही उसके अंदर आते थे। जहाँ पे असिमिलेशन क्या था कि आप कोई भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो प्रीवियस नॉलेज से आप उसे सीधा रिलेट करके ऐड कर लेते हो। अकोमोडेशन क्या है, उसको आप थोड़ा सा वेरीफाई करते हो। जैसे आप असिमिलेशन को समझ सकते हैं कि एक बच्चा है वो बर्ड को देखता है, फिर वो ईगल को देखता है तो उसे ऐड कर लेता है कि हाँ ईगल भी एक बर्ड है। अकोमोडेशन में क्या है, हम वेरीफाई करके, थोड़ा मॉडिफाई करके चीज़ों को ऐड करते हैं। जैसे कि बच्चे ने अगर कोई डॉग देखा है, उसने समझा है कि जो 4-लेग एनिमल होता है वो एक डॉग होता है, जब उसने कैट को देखा तो उसको भी डॉग समझता है। लेकिन ये अकोमोडेशन में क्या है, वो अपना स्कीमा बदलता है कि हाँ ये कैट है और ये डॉग है, दोनों के 4 लेग्स है बट ये अलग एनिमल है। इक्विलिब्रियम में क्या है, एक बीच की स्टेज, जो कंफ्यूजिंग स्टेज उसकी होती है, जहाँ पे बैलेंस बनाता है दोनों के बीच में, वो इक्विलिब्रियम है। सिंबॉलिक की पियाजे ने बात नहीं की, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो असिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम है, ये तभी सभी क्या है, ये वेज है थ्रू विच चिल्ड्रन इंटीग्रेट न्यू एक्सपीरियंसेस इनटू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा, या फिर स्कीमा को हम बोल सकते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। तो उसमें वो ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है, उसमें वो एक्सपीरियंसेस को ऐड करता है, ये वो तरीके हैं तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमिटी ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो उसके चेयरपर्सन कौन थे, तो इसमें वो थे ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रोफेसर यशपाल। और ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, ये किसके द्वारा बनाया गया है ये डॉक्यूमेंट, तो ये डॉक्यूमेंट बनाया गया NCERT के द्वारा, और ये हमारा 2005 में 4th NCF आया था। NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इस जो भी ये समिति
या कमिटी बनाई गई थी, इसका बेस था लर्निंग विदाउट बर्डन और इसके अंदर थे 35 मेंबर्स और इन 35 मेंबर्स में से 10 मेंबर्स थे एनसीईआरटी के। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिविजुअल फैक्टर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड हेल्थ इंटेलिजेंस इन्वायरमेंट एज फ्रेंड फैमिली स्कूल नेबरहुड क्लब। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये सभी फैक्टर बच्चे के डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं, उसकी हेल्थ, उसका इंटेलिजेंस या उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उसकी एज क्या है, उसके फ्रेंड्स और उसकी फैमिली उसके डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, स्कूल नेबरहुड क्लब, ये हर एक चीज़ प्लेग्राउंड हर चीज़ हेल्प करती है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द प्रोपाउंडर ऑफ साइको एनालिटिकल मैथड या साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो सबको पता है इसका करेक्ट आंसर होगा सिगमंड फ्रूड। सिगमंड फ्रूड ने साइको एनालिटिकल थ्योरी में बात करी थी इड ईगो एंड सुपर ईगो की। इड के अंदर उसने बात की थी कि हम कोई भी काम करते हैं उसमें मोरल वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं करते, अगर हमारा मन करता है तो हम वो काम करते हैं। ईगो के अंदर क्या है, ईगो एक रियलिटी चेक की तरह होता है। जैसे एक बच्चा कोई भी, जैसे उसे आइसक्रीम खानी है तो वो अपने बच्चों अपने पेरेंट्स से परमिशन लेगा उस चीज़ की कि क्या मैं आइसक्रीम खा सकता हूँ। तो ये क्या है, ये उसकी ईगो है। और सुपर ईगो की बात करें तो यही हमारे जो बिहेवियर है उसे मोरली स्ट्रोंग और हमें एक बेटर सिटीजन बनाने में हेल्प करती है। यहाँ पे क्या है कि हम परमिशन लेते हैं, ये हमारी सुपर ईगो है कि हमारे मन में आता है कि हमें किसी भी चीज़ के लिए परमिशन लेनी चाहिए। ये हमारे मोरल एथिकल वैल्यूज़ हमारे अंदर डेवलप करती है। तो तीनों में सुपर ईगो बेस्ट होती है और ये तीनों फैक्टर पर्सनैलिटी के सिगमंड फ्रूड ने दिए थे अपनी साइको एनालिटिकल थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लॉकिंग ऑफ बिहेवियर दैट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ गोल इज। अब आप सीधा ही समझे, कोई सिचुएशन है, कोई गर्ल है, कोई एडोलसेंस गर्ल है और वो ट्रिप पे जाना चाहती है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल की ट्रिप पे जाना चाहते हैं, अपने कॉलेज की ट्रिप पे जा रही है कोई लड़की, तो ऐसे में ओवर रेस्ट्रिक्टिव अगर पेरेंट्स है उसके जो उसे अलाउ नहीं करते, तो इस सिचुएशन में क्या है कि जो गर्ल का गोल है कि उसको ट्रिप पे जाना है लेकिन उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, तो ऐसी सिचुएशन में उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से कोई इंसान है वो डेजर्ट में खो गया है और उसे उसका गोल उस टाइम क्या होगा, सिर्फ एक ही गोल होगा कि उसे वोटर चाहिए, और ऐसे में अगर उसे डेजर्ट में वोटर ना मिले तो वो सबसे पहले क्या होगा, वो फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर आएगी। कोई इमोशन मोटिवेशन अग्रेशन नहीं, फ्रस्ट्रेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Emphasized on the provision for better infrastructure, improved pupil teacher ratio, enhanced role of school management committee यानी SMC। तो किसने इसकी बात की थी, इसकी बात की थी ऑप्शन नंबर सी यानी RTE Act, right to education of free and compulsory education of children, और ये 6 to 14 ईयर के बच्चों की एजुकेशन की बात करता है। और ये इसका जो सेक्शन 21 है हमारा RTE Act का, उसके अंदर बात करी गई थी SMC यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ की, जिसके अंदर कुछ पेरेंट्स भी होंगे, स्कूल के टीचर्स भी इन्वॉल्व होंगे ये सब, और पीपल टीचर रेशो की भी RTE ने बात की थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फॉर्मल असेसमेंट। तो ये ऑब्जेक्टिव होगा, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ये हमें पता है, बट वेरीज फ्रॉम केस टू केस। तो ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को आपने दूसरा टेस्ट दिया, एक बच्चे को दूसरा टेस्ट दिया, तो ये वेरी केस टू केस वेरी नहीं करता, सबके लिए सेम होता है। अगर पूरी क्लास में आप करा रहे तो सबके लिए सेम होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रोपाउंडेड द 3-dimensional थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो 3D थ्योरी प्रोपाउंड की थी गिलफर्ड ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने इसके अंदर 5 कंटेंट की, 6 ऑपरेशन की एंड 6 प्रोडक्ट्स की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज इज एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीट एग्जाम के को देखते हुए, इसमें बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक्शन रिसर्च में क्या है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम है उसे लोकल लेवल पर सोल्व करते हैं और इमीडिएट प्रॉब्लम को बेसिकली इसके अंदर सोल्व किया जाता है। और कौन इस एक्शन रिसर्च करते हैं, तो ग्रुप ऑफ टीचर, प्रोफेसर या एक टीचर भी एक्शन रिसर्च कर सकता है स्कूल के अंदर। हम स्कूल में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, हर एक चीज़ को यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि हमें क्लासरूम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, यही हमारा पर्पस है एक्शन रिसर्च का। कोई थ्योरी हमें डेवलप नहीं करनी है, कोई थेसिस नहीं लिखना है, ना ही कोई
थ्योरी को टेस्ट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ डायनामिक ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय कैटल. तो कैटल ने सबको बताया कि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर दिए थे और डायनामिक ट्रेट्स में उन्होंने बहुत सारी चीजों की बात की थी. जैसे उन्होंने एटीट्यूड में कहा था कि इट इज अ डिजायर टू एक्ट इन अ स्पेसिफिक वे इन रेस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन. अर्ज के बारे में कैटल ने कहा है कि अर्ज इंक्लूड बायोलॉजिकली बेस्ड ड्राइव्स, जो हमारी बायोलॉजिकल बेस्ड ड्राइव होती है, हमारी नीड होती है, इसके अंदर 10 अर्जेस की उन्होंने बात की थी. हंगर, सेक्स, ग्रीगेरियसनेस, पेरेंटल प्रोटेक्टिवनेस, क्यूरोसिटी, स्केप एंड एक्यूजेटिवनेस, सेल्फ अशर्शन, नार्सिसिस्ट सेक्स, इसके फियर, ये सब की उन्होंने बात की थी. प्यूगनेसिटी की बात की थी. एंड सेंटीमेंट्स की बात करें तो सेंटीमेंट में बताया था कि सेंटीमेंट इंक्लूड करते हैं सोशल ऑब्जेक्ट्स एंड दे आर एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग विच सर्व्स एज सब गोल्स ऑन द वे टू द फाइनल एर्गिक गोल्स. तो ये होते हमारे सेंटीमेंट्स. बाकी उन्होंने कंजर्वेटिव की बात नहीं की थी. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट हैज कम इनटू फोर्स. तो ये आया था अप्रैल 2010. अब अप्रैल में भी डेट थी हमारी 1 अप्रैल 2010. बाकी इसको आरटी 2009 इसलिए बोला जाता है क्योंकि 2009 में ये एक्ट पास किया गया था कि हम आरटी लेके आएंगे, फिर 2010 में फाइनली इम्प्लीमेंट हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिफ्टेड स्टूडेंट्स यूजुअली पोजेस हायर इंटरेस्ट इन ग्रुप वर्क, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, एब्स्ट्रैक्ट एक्टिविटी, ड्रिल वर्क. बाकी तो सभी में गिफ्टेड स्टूडेंट इंटरेस्ट शो करते हैं, बट वो सबसे ज़्यादा शो करते हैं एब्स्ट्रैक्ट एक्टिविटीज में. एब्स्ट्रैक्ट रिलेट करती है ऐसे आइडियाज या ऐसे प्रिंसिपल या ऐसे थिंग्स जो कि फिजिकली प्रेजेंट नहीं है. हम अपने माइंड में सोच सकते हैं बट वो आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं है. अगर फिजिकली प्रेजेंट है तो हमें उन्हें कॉन्क्रीट बोलेंगे, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट है इसका मतलब वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है. तो यहाँ पे क्या है, ये बच्चे ऐसे होते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट, इनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, इमेजिनेशन होता है, और इन्हें कुछ क्रिएट करना, इन्वेस्टिगेट करना या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करना, हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस को सोल्व करना काफ़ी पसंद होता है. ये इसमें इंटरेस्टेड होते हैं. तो हायर इंटरेस्ट की बात की गई है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एब्स्ट्रैक्ट एक्टिविटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट इम्ब्रेस द आइडिया ऑफ. कार्ल रोजर क्या है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे. तो या अब्राहम मैस्लो की भी बात कर सकते हैं, वो भी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे. तो किस आइडिया की बात ये यहाँ पे करते थे, तो ये जो साइकोलॉजिस्ट थे ये हमेशा फोकस करते थे पीपल की एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर ओन लाइव्स, और उनके बिहेवियर को कनेक्ट करते थे इनर फीलिंग्स से, सेल्फ इमेज फॉर्मेशन की बात करते थे. तो बेसिकली यहाँ पे बात करते थे फ्री विल की, ना ही कोई रिप्रेशन, ना ही अनकॉन्सियस ड्राइव, ना ही कोई ईड की बात की गई है. ईड तो पर्सनैलिटी से रिलेट करता है. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्री विल, कि आप बिल्कुल फ्री है, अपने इनर फीलिंग को आपको सुनना चाहिए, अपनी अपने अंदर इतनी एबिलिटी की हो कि आप अपने इमोशंस को, अपनी लाइफ को खुद डायरेक्ट करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेबोरेटरी मेथड इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल. तो लेबोरेटरी में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो वहाँ पे क्या है कि हम खुद से करके चीज़ों को सीखते हैं. तो ये कौन सा प्रिंसिपल हो, ये हुआ लर्निंग बाय डूइंग. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मोटिवेशनल टेक्निक विल बी मोर यूजफुल फॉर स्लो लर्नर्स. स्लो लर्नर्स बहुत ज़्यादा, मतलब जो जल्दी से नहीं सीख पाते, कोई भी कौन सा टास्क ने बताया तो फटाफट से ना ही उसको कैच कर पाते, कैचिंग पावर भी लो होती है, स्लोली सीखते हैं. तो ऐसे स्टूडेंट को आपको क्या करना चाहिए, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, छोटे छोटे एंडेवियर्स पर उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए. वो क्लास में अटेंटिव बैठे हैं इस पे ही उन्हें अप्रिशिएट करें, अवार्ड्स दे, तो ये सबसे बेटर होता है, ना कि उन्हें पनिशमेंट दे या कंडेम करे या कोई चैलेंज दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवार्ड एंड अप्रिशिएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज. तो यहाँ पे दो वर्ड यूज किए गए हैं. तो ऑब्सेसिव क्या है, ऑब्सेसिव होता है कि इट इज़ द इनएबिलिटी टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अ पार्टिकुलर आइडिया और टॉपिक. कोई भी, जैसे आपने एग्जाम में, आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा खराब गया है, बेकार गया है, तो आप ये सोचने लगो कि अब मेरे मार्क्स कैसे आएंगे, और जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं कंटिन्यूसली, और आप कि बिल्कुल आप उससे अपना जो माइंड है वो डाइवर्ट नहीं कर पाते, आप सिर्फ उसी पे फोकस रहते हैं, हमेशा उसी के बारे में सोच रहे हैं. तो यहाँ पे आप ऑब्सेसिव है उस चीज़ के लिए. कंपल्सिव, कंपल्सिव यानी कि नीड टू परफॉर्म सर्टेन बिहेवियर ओवर एंड ओवर अगेन. आप एक ही बिहेवियर बार बार करते हैं, कुछ चीज़ आप ढूंढ रहे हैं तो बार बार आप उसको चेक कर रहे हैं,
या वॉशिंग की केस में ले, बार बार आप वॉश करे जा रहे हैं चीजों को, तो एक ही बिहेवियर को बार बार करना, रिपीटेड करना, तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो डिसऑर्डर होता है, कंपल्सिव ऑब्सेसिव, यानी सॉरी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये किससे रिलेट कर रहा है, अब यहीं पे आप समझिए कि जब हम ऐसा काम करते हैं कि हम एक चीज के बारे में लगातार सोचते रहते हैं या एक काम को बार बार करते रहते हैं, तो ऐसे में हमारे अंदर क्या है कि एंजाइटी रहती है। जब भी हम ऐसा सोचते रहते हैं तो बाकी लोग भी हमें बोलते हैं कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे क्या है, टेंशन होती है, एंजाइटी होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एंजाइटी डिसऑर्डर, ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चिल्ड्रन ऑफ 6-11 एज ग्रुप नीड द फॉलोइंग फॉर लर्निंग, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट एक्टिविटीज एक्सपीरियंसेस, या ट्रांसफर ऑफ नॉलेज बाय द टीचर, या प्रोविजन ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर मेमोराइजेशन, या मोटिवेशन टू अटेन हाई रैंक इन द क्लास। तो बेसिकली आपको नॉलेज ट्रांसफर की बात नहीं होती, या मेमोराइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, अटेन हायर रैंक, या फिर इसमें थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एज ग्रुप क्या है, ये मिडिल चाइल्डहुड है, या इसको कहीं कहीं पे लेटर चाइल्डहुड भी बोला जाता है, तो दोनों ही सही है। तो इसके अंदर क्या है कि बच्चे के अंदर एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि वो कॉन्क्रीट थिंकिंग कर पाए, कॉन्क्रीट एक्टिविटीज एक्सपीरियंसिस को कर पाए, उसमें इन्वॉल्व हो पाए, तो ये एबिलिटी उसके अंदर आने लगती है। यानी जो चीज़ फिजिकली प्रेजेंट नहीं है वो उसके बारे में भी सोच सकता है, वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फंक्शन ऑफ टीचिंग इंक्लूड, तो टीचिंग के अंदर हम क्या है, बच्चों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, उसके बाद इवेलुएट करते हैं किस बच्चे ने कितना सीखा है, रेमेडियल फंक्शन भी करते हैं, डायग्नोस्टिक फंक्शन भी करते हैं, डायग्नोस्टिक यानी टेस्ट लेते हैं और उसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस का पता हमें चलता है, और रेमेडियल में हम उसे रेमेडी देते हैं, उस स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हैं, एंड इवेल्युएटिंग में उन्हें पूरा फाइनली इवेल्युएट करते हैं, चेक करते हैं बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लर्निंग कितनी हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या है, टीचिंग के अंदर ये तीनों चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दीज। आफ्टर 20 आपके कितने क्वेश्चन रही हुए ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें उन लोगों के साथ जो रीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।